सो हेलो फोक्स, मैं हूं मनीष द्विवेदी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में ट्रिप डायरीज के। अब आज की जो मेरी ट्रिप है वो है वापस से लूजो ऑटो कॉप की, विच इज़ अ प्रीमियम प्री ओन्ड कार शोरूम इन वाकड़ेवाड़ी एरिया इन मेफेयर टार इन पुणे। अब वेदर आज का काफ़ी सुहाना है, बारिश हो रही है। अभी मैं बाहर से आया, आपको मेरे ग्लासेस पे थोड़ा बहुत पानी दिख ही रहा होगा। सो आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है ये ब्लैक कलर की फोर्ड एंडेवर 2.2। अभी जो गाड़ी है दोस्तों ये 2020, जी हाँ 2020 मॉडल की गाड़ी है, फोर्ड एंडेवर 2.2 टाइटेनियम। तो चलिए हम जानते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, हम देखेंगे इसका एक्सटीरियर की डिज़ाइन कैसी है, इसका इंटीरियर कैसा है, और फिर वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कितने की ऑफर हो रही है। सो हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरी की नेक्स्ट कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें। साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tripdiary, दैट इज़ TRIPDIARIE। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए ट्रिप डायरी। सो दोस्तों बात करें अगर फ्रंट प्रोफाइल की, तो सेंटर में आपको एक बड़ा सा फोर्ड की बैजिंग मिलती है, राइट। एंड अब दिस लिट्स अप व्हेन आई अनलॉक और लॉक द व्हीकल, राइट। ये देखिए ये जल गया, ये देखिए अनलॉक करने पे ये पूरा फोर्ड का ये जल गया है यहाँ पे, राइट। एंड इस तरफ अगर हम आए तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे HID हेडलैम्प्स जो प्रोजेक्टर हैं, साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं आपके डेयर लाइट रनिंग LEDs। नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके फॉग लैम्प्स, एंड देन यहाँ पे नीचे थोड़ा और आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 4। एंड यहाँ अगर आप देखें तो आपको मिलती है लूजो ऑटो कॉप का मैस्कॉट, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सेलिंग इट ऑफ। बात करूँ अगर हुड के नीचे की, तो इसमें आपको मिल जाता है 2.2 लीटर्स का डीजल इंजन, जो कि देता है आपको 158 BHP की पार एंड 385, जी हाँ 158 BHP पार और 385 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब आप देख सकते हैं इट इज़ लाइक अ मिनी ट्रक इट्स इन इटसेल्फ, द कार इज़ ह्यूमंगस, राइट। इसका रोड प्रेजेंस है काफ़ी, एक आपको मस्कुलर लुक देता ही है। बात करें अगर साइड प्रोफाइल में टायर साइज की यहाँ पे, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2.26 ऑटो की बैजिंग मिल जाती है, ये भी पूरा क्रोम प्लेटेड ही है। अब 6 ऑटो इसलिए बिकॉज इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो देखिए आप साइड से कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, 4872 mm या फिर समवेयर अराउंड 4.8 मीटर्स आप कह सकते हैं इसकी जो ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की। बात करूँ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस इज मैसिव। अब जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 225 mm का, जो अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। साथ बात करें अगर ORVMs की, तो आपको क्रोम प्लेटेड ORVMs मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, एंड इसमें आपको डोर हैंडल भी क्रोम प्लेटेड मिलते हैं और यहाँ पे आपको पैसिव एंट्री भी मिलती है। थोड़ा नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका फुटस्टेप और साइड स्टेप, जो भी आप इसको कहना चाहें। बाकी फ्यूल टैंक इसमें इस तरफ नहीं है, फ्यूल टैंक जो है वो इट इज़ ऑन दी अपोजिट साइड, आप देख सकते हैं। बाकी जो ग्लास एरिया है ओवरऑल, इंक्लूडिंग द फ्रंट विंडो, द रियर विंडो एंड द क्वार्टर विंडो इज़ वेल, इट इज़ क्वाइट बिग। सो आपको काफ़ी एयरी फील आने वाला है इसमें। ऊपर आपको रूफ रेल जो है एक काफ़ी एकदम क्लोजली माउंटेड जो है इस पर ये मिल जाती है, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग इसकी बहुत शानदार है, आगे से लेके पीछे तक पूरी आपको ये मिल जाती है। देन ऊपर आप देख सकते हैं ये आपका पैनोरामिक सनरूफ आता है इसमें, जो पहले सिर्फ और सिर्फ आपको 3.2 मॉडल जो आया करता था उसमें आता था, अब 3.2 वेरिएंट जो है फोर्ड ने बंद कर दिया है। अब इस तरफ पीछे चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके LED टेल लैंप्स, आप देख सकते हैं। जो ओवरऑल लुक है इसका वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस गाड़ी का, एंड साथ ही साथ हर जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इसकी, जैसे LED टेल लैंप्स भी हैं, काफ़ी सुंदर उसको इसका लुक दिया गया है। पीछे से आप देखें कुछ इस तरीके से आपको ओवरऑल लुक आता है। यहाँ पे सेंटर में आपको मिल जाती है फोर्ड की बैजिंग, देन ये क्रोम के ऊपर नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको एंडेवर लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ पे बड़ा सा। बात करें अगर रियर विंडशील्ड की, तो यहाँ पे आपको डीफॉगर के साथ साथ आपका रियर विंडशील्ड वाइपर भी मिल जाता है। देन यू गेट अ हाई माउंट टेल लैम्प
इन योर स्पॉयलर। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है टाइटेनियम की बैजिंग, देन राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। देन यू गेट द पार्किंग सेंसर्स इन द रियर बम्पर, 1, 2, 3, 4 सेंसर जो हैं आपके। एंड नीचे आपको ये आपकी स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि सिल्वर में है, एंड साथ ही साथ दीज आर योर रिफ्लेक्टर्स। बात करें अगर और नीचे की तो जो आपका स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे माउंट रहता है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, दिस इज द रियर पार्किंग कैमरा। जितनी बड़ी गाड़ी है तो रिवर्स करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। बात करें इसके बूट स्पेस की तो ऑब्वियसली जो रियर सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट हैं। तो चाबी अगर हम बात करें तो ये देखिए चाबी में आपको मिल जाता है अनलॉक बटन, लॉक बटन, एंड दिस इज़ द बूट स्पेस। इफ़ आई टैप इट ट्वाइस राइट, तो ये देखिए आपका जो बूट है वो ओपन हो गया। थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने के लिए, लेगा भी, इतना जो बिल्ड क्वालिटी है इतनी स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी की। तो अब बंद करने के लिए आइदर यू कैन ग्रैब दिस हैंडल और इसको नीचे बंद कर सकते हैं, बाकी नहीं तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन और यहाँ से ये बंद हो जाता है। अब इसको बंद करने का एक और तरीका है, या तो आप उस बटन से इसको बंद कर सकते हैं राइट। और अब इसमें एक चीज़ जो अच्छी थी वो ये कि इस बटन को अगर आप दोबारा टैप करते हैं तो बूट जो है वो ऑटो क्लोज भी हो जाता है, वो भी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। बात करें यहाँ की तो लोडिंग सेल जो है वो ऑलमोस्ट क्या मतलब नहीं है बिल्कुल, एंड विच इज़ गुड। बाकी जो थोड़ा हाइट है वो थोड़ी ऊपर है तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है सामान चढ़ाने के लिए। बाकी देयर यू गेट टू हुक्स एज वेल, अगर इसमें एक और ये दो कुछ इसमें आप टांगना चाहें या पे रखना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे अगर आप उठाते हैं तो देयर यू गेट ऑल द स्पैनर्स अभी जो यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी इस तरफ आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, देन यू गेट द स्पीकर्स। और ये जो है ये आपकी जो पीछे की जो सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट हैं, इस बटन के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड फीचर। नहीं तो यूजुअली इस रेंज की गाड़ी में भी आपको मैनुअल सीट्स मिलती हैं। देखिए मैं राइट वाले को इसको प्रेस करता हूँ, यू सी जो मेरी सीट है वो रिक्लाइन होना शुरू हो गई, नॉट रिक्लाइन, डाउन हो गई। एंड चलिए मैं लेफ्ट वाले को भी दबा देता हूँ, ये देखिए ये भी यहाँ से डाउन हो गई। अब थर्ड रो में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिलता है, किसी भी 7 सीटर गाड़ी में यूजुअली स्पेस कम ही रहता है, बट इसमें फिर भी ओके है। एंड देन ऊपर थर्ड रो के यहाँ पे आपको दो हैंगर हुक्स मिल जाते हैं, एंड देन यू गेट द टू एयर वेंट्स एज वेल सेंटर में माउंटेड। और ये आपको यहाँ पे पीछे एक लैम्प स्विच भी मिल जाता है, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। पीछे से कुछ इस तरीके का लुक आता है इस गाड़ी का राइट, ये देखिए आप देख सकते हैं। बाकी चलिए अब मैं यहाँ से दोनों जो सीट्स हैं इनको पुश करके ऊपर कर देता हूँ, देखिए। सो दिस इज़ अ गुड थिंग दैट यू गेट ओवर हेयर। अब इस गाड़ी में एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो बूट स्पेस है या फिर जो बूट लिड है आपकी, जब इसको अगर आप मैनुअली क्लोज करेंगे यहाँ से या ओपन करेंगे इस यहाँ से इसको प्रेस करके, तो ये ऑटो अप नहीं होता है। एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आई जस्ट हैव टू टैप इट ट्वाइस, अरे देखिए जो बूट है वो बंद होना शुरू हो गया है। चलिए बात करें अगर इस तरफ की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका फ्यूल टैंक। अब इसमें आपको 80 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिलती है, एंड इट इज़ अ डीजल व्हीकल ऑब्वियसली। बाकी अगर ओवरऑल लेंथ का जैसा मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं जो साइज़ है गाड़ी का, मतलब इट गिव्स यू अ कमांडिंग प्रेजेंस ऑन द रोड ऑब्वियसली। बाकी सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इसमें आपको एयरबैग्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है जो कि है पैरेलल पार्क असिस्ट, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है वो खुद ही जगह ढूंढ के पार्क कर लेती है खुद को, विच इज़ अ नाइस फीचर। इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से एक मस्त सा फीचर हो भी जाता है। सो ये तो थी हमारे ओवरऑल एक्सटीरियर की बात, चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलता है, देखते रहिए ट्रिप डायरी। सो जैसा कि मैंने कहा, अब यहाँ पे आपको पैसिव एंट्री का बटन भी मिलता है, गाड़ी अभी लॉक है, चलिए मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। गाड़ी अनलॉक थी, मैंने उसको लॉक कर दिया, चलिए इसको अनलॉक किया वापस। बात करें अगर सबसे पहले डोर की तो यू सी द विंडो साइज़ इज़ बिग इनफ, काफ़ी इसको खोल देंगे बहुत सारी हवा अंदर आने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको क्विटर मिल जाता है। अब जो इंटीरियर जो है इसका बेज इंटीरियर आपको इसमें मिलता है, तब यहाँ पे जो है ये आपका सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, विच इज़ गुड एक्चुअली, जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो एकदम चीप नहीं है। देन हेयर यू गेट द सॉफ्ट टच लेदर एज वेल, विच इज़ ऑल्सो प्रीमियम, डबल स्टिचिंग में ये जो आपको लेदर मिलता है ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये है आपके पावर विंडो कंट्रोल्स, देन इस तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका लॉक अनलॉक बटन, एंड दिस इज़ योर क्रोम डोर हैंडल। नीचे की अगर बात करें तो डोर पॉकेट इज़ क्वाइट डीप, आप इसमें 1 लीटर की बॉटल के साथ साथ और भी काफ़ी सामान रख सकते हैं। देन यू गेट द स्पीकर एज वेल। बात करें अगर इस तरफ की तो आपको यहाँ पे साइड स्टेपर तो मिलता ही है। देन ये हैं आपके सीट एडजस्ट करने के कंट्रोल्स, यू कैन मूव इट आगे एंड पीछे राइट, लाइकवाइज यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द हाइट ऑफ द ड्राइवर सीट एज वेल, ये आप देख ही सकते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव, सो दिस इज़ अ गुड थिंग राइट। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये ऊपर और नीचे हो रही है। बाकी देन यू कैन एडजस्ट द
योर बैकरेस्ट एज वेल। यहाँ से इस तरफ की अगर बात करें, इट इज़ एन ऑटोमेटिक व्हीकल, तो आपको ब्रेक और एक्सेलेटर पैडल आपको मिल जाता है, साथ ही आपका डेड पैडल। देन हेयर यू गेट जो आपके एंडेवर के फ्लोर मैट्स हैं वो सबको मिल जाते हैं। इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बॉनेट ओपन करने का आपको बटन मिल जाता है। हेयर यू गेट योर हेडलाइट कंट्रोल्स। बाकी जो आपके ORVM कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ दिए गए हैं, डोर पे नहीं दिए गए हैं, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। बाकी ये रहा आपका एक AC वेंट। और अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक डोर हैंडल मिल जाता है, बिकॉज गाड़ी की हाइट जो है, ऑब्वियसली इट इज़ एन SUV, सो गाड़ी की हाइट जो है काफ़ी ऊँची है, तो इस पर आप पकड़ के आराम से अंदर क्लाइम कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल पीछे से अगर देखें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ से लुक आता है, राइट। अब शटर जो है वो भी आधा ओपन है। सो बात करें अगर सबसे पहले स्टीयरिंग की, तो इसमें आपको राउंड स्टीयरिंग मिलता है जो कि ब्लैक लेदर रैप्ड है। जो ग्रिप जो है इसकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाता है फोर्ड का लोगो। देन यू गेट द एयर बैग एज वेल। हॉर्न जो है कुछ इस तरीके सुनाई देता है। बाकी यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंट्रोल्स ओवर द स्टीयरिंग। अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये जो है आपका मल्टीमीडिया सिस्टम, और इस तरफ भी आपको आपके मल्टीमीडिया सिस्टम, और सेंटर में जो MID डिस्प्ले है इसका दोनों तरफ, वो मैं आपको भी ऑन करके दिखाऊंगा। सो उसको कंट्रोल करने के आपको बटन्स मिल जाते हैं। राइट साइड में नीचे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके क्रूज कंट्रोल के बटन्स। एंड देन इस तरफ आपको जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं, देन आपका गाने जो है उसको नेक्स्ट और रिवर्स करने का, नॉट रिवर्स, प्रीवियस सॉन्ग्स इफ यू वांट टू सेलेक्ट। एंड देन बाकी आपका वॉइस असिस्ट एंड म्यूट करने के बटन्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यू कैन रिसीव एंड डिस्कनेक्ट कॉल्स यूजिंग दीज बटन्स एज वेल। उसके बाद अगर पीछे की मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड में ये आपको मिल जाते हैं आपके वाइपर कंट्रोल्स, एंड राइट साइड में जो है आपको यहाँ पे आपके जो हेडलाइट अपर डिपर है उसके कंट्रोल्स, और जो आपका इंडिकेटर के हैं कंट्रोल्स, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीछे इस तरफ आपको मिल जाता है एक AC वेंट। टोटल आपको यहाँ पे 4 AC वेंट मिलते हैं, ये दूसरा, तीसरा है, उस तरफ चौथा। काफ़ी एक सिमेट्रिक सी डिज़ाइन है इसकी, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक भी देती है। अब जो लेदर है वो भी काफ़ी एकदम सॉफ्टेस्ट लेदर है, इट गिव्स अ प्रीमियम लुक एज वेल। बाकी चलिए, अब जो पुश बटन स्टार्ट है इसकी यहाँ पे है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, तो यू सी जो मेरा मल्टीमीडिया डिस्प्ले है वो ऑन हो गया। अब इसको मैं यहाँ से इस तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, राइट। यू कैन सी आई एम चेंजिंग द रेडियो एंड ऑल। सो दो मुझे अलग अलग स्क्रीन पे मिलती हैं। बाकी राइट साइड पे जो है मेरे मोड्स एंड ऑल, इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। आप देखिए, आपको दिखाई रहा होगा, राइट। इकोनॉमी, एवरेज, ऑल दीज थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम हेयर ओनली। बात करें अगर ओवरऑल डिस्प्ले की, तो काफ़ी कलरफुल और काफ़ी क्लियर सा डिस्प्ले है इसका, राइट। टॉप स्पीड जो है इसमें 200 km/h की मैंशन है। बाकी इसका जो स्टेयरिंग है दोस्तों, अब एक चीज़ इसमें है जो मुझे लगी कि इसमें कमी है, वो है कि इसका स्टेयरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट एडजस्टेबल है, लेकिन रीच के लिए एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पर इसका आप नीचे देखेंगे, ये रहा इसका मैनुअल हुक यहाँ पे, इसको मैं ऊपर करता हूँ, तो मेरा स्टीयरिंग जो है सिर्फ हाइट के लिए एडजस्टेबल है, इसको रीच के लिए एडजस्टेबल नहीं बनाया गया है, विच कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। चलिए इसको अभी मैं वापस एडजस्ट कर देता हूँ। आते हैं अगर सेंटर पे, तो इफ यू कैन सी हेयर, ये आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, विच इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव, राइट। जो मेरे देखिए, यहाँ पे आपको डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है, जो मैंने अभी ऑन करके रखा है। सो जो मेरा AC का कंट्रोल्स हैं वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, राइट। आई कैन सेट माई टेम्परेचर फ्रॉम हेयर, लाइकवाइज क्लाइमेट के बाद फ़ोन, देन आई कैन गो टू ऑडियो एंड सेलेक्ट, अभी रेडियो चल रहा है तो कौन सा स्टेशन लगाना है। देन आई कैन सेट नेविगेशन, बाकी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी तो मिल जाती है, मोबाइल ऐप्स, ये सब भी आपको इसमें, आप इसमें कनेक्ट कर ही सकते हैं। तो ओवरऑल इट इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव, और इसमें फीचर्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। आते हैं अगर थोड़ा और नीचे, तो ये रहा आपका हैजार्ड सिग्नल। देन आपको यहाँ पर CD चेंजर भी मिल जाता है इसमें, विच इज़ समथिंग यूनिक दैट आई एम सीइंग इन अ 2024 एंडेवर, बिकॉज अब CDs वगैरह को यूज़ करता नहीं है, राइट। नो डिस का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया। देन दिस इज़ योर वॉल्यूम नॉब। अब इसको काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम लुक देने के लिए इस पर आपको क्रोम की कोटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। देन देर इज़ फॉर योर ट्यूनिंग द रेडियो। देन आपके, जैसे मैं बोल रहा था, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के बटन्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, सो क्लाइमेट जो है आप यहाँ से तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इन बटन्स के थ्रू भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2-zone ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। थोड़ा और अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट मिल जाता है, देन इस तरफ आपको एक 12-volt का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। देन अंदर यहाँ पर आप कुछ सामान तो रख सकते हैं, साथ ही साथ आपको एक USB सॉकेट और मिल जाता है। अगर थोड़ा और नीचे आएंगे तो यू सी, ये रहा है आपके पार्किंग सेंसर्स के बटन। देन दिस बटन इज़ फॉर योर पैरेलल पार्क असिस्ट, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली ही जो पार्किंग स्पेस है वो ढूंढने लग जाती है, और जो उसको बेस्ट पार्किंग स्पेस मिलता है उस पर ऑटोमेटिकली पार्क कर देती है खुद को। अब यहाँ पर उतना स्पेस अभी है नहीं, बिकॉज गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, तो ये फीचर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बाकी और नीचे अगर इस तरफ देखते हैं, तो दिस बटन इज़ फॉर योर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। एक छोटा सा कप होल्डर है ये, आई डो नॉट थिंक कप होल्डर नहीं, इसको आप ऐश ट्रे भी बोल सकते हैं, सो देयर यू गेट एन ऐश ट्रे एज वेल। बाकी ये रहा आपका गियर नॉब। 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
सिस्टम मिलता है इसमें आपको विथ स्पोर्ट्स मोड। थोड़ा और अगर पीछे आएँ तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक बड़ा सा आपको मिलता है यहाँ पे हैंड ब्रेक एंड जिसको चलिए मैं ऊपर ही कर देता हूँ। और पीछे अगर देखें तो ये आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट के नीचे बड़ा सा काफ़ी डीप कंपार्टमेंट मिलता है, काफ़ी सारा सामान जिसमें आप रख सकते हैं। ओवरऑल सीट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको बकेट स्टाइल सीट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी इसको अच्छा बना देती हैं कंफर्ट वाइज से। आप बैठेंगे आपको पकड़ के रखेंगे और ये जो परफोरेटेड टच दिया गया है ये भी इसमें काफ़ी आप देख सकते हैं अच्छा दिखाई देता है। बात करें अगर इस तरफ की तो दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट प्लास्टिक, ओवर ऑल कलर कॉम्बिनेशन जो है वो तो काफ़ी अच्छा है ही। बाकी नीचे अगर आते हैं तो ग्लव बॉक्स की अगर बात करूँ तो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपको लाइट तो मिल जाती है ग्लव बॉक्स में, साथ ही साथ काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स दिया गया है दोस्तों। उस तरफ की अगर बात करूँ अगेन यू गेट द डोर लॉक अनलॉक बटन्स एंड योर क्रोम डोर हैंडल, वहाँ पे आपको मिल जाता है एक और हैंडल गाड़ी में अंदर चढ़ने के लिए। देन आपको पावर विंडो कंट्रोल्स एंड देन अगेन ये जो प्रीमियम लेदर फिनिश आपको दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है इसको। बात करें अगर यहाँ ऊपर की तो इसमें आपको मिल जाता है सन वाइजर राइट विथ वैनिटी मिरर एंड लाइट ड्राइवर साइड में, और साथ ही साथ ही आपको को ड्राइवर साइड पे भी सन वाइजर मिल जाता है विद वैनिटी मिरर एंड लाइट। यहाँ कि अगर सेंटर में हम आते हैं तो दिस इज़ योर सनग्लास होल्डर, यहाँ पे अपने गॉगल्स वगैरह आप रख सकते हैं। बाकी नाउ दीज आर द कंट्रोल्स फॉर योर लैम्प्स एंड योर सनरूफ। ओके सो लैम्प्स को जलाने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे, नाउ दीज आर क्वाइट ब्राइट करेक्ट। अब ये वाली जो बटन है इससे जो मेरे पीछे के लैम्प्स, देखिए मैंने इसको प्रेस किया और मेरे पीछे के लैम्प्स जो हैं वो जल गए, और इससे जो मेरा राइट साइड का लैम्प वो जल जाएगा। तो लैम्प्स मैंने कर दिए बंद। बाकी अब ये जो बटन्स हैं दो, ये मेरा अगर मुझे शटर ओपन या क्लोज करना है राइट, तो इसके लिए मुझे दिए गए हैं। इफ़ यू कैन सी, अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा शटर जो है वो ओपन हो जाएगा बाय जस्ट वन क्लिक। सो और ये काफ़ी फास्ट ओपन होता है राइट। अब इसको मुझे एक और बार दबाऊँगा तो ये पीछे चला जाएगा। इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, आप देख सकते हैं इट इज़ मैसिव। अब दूसरी चीज़ में एक और अच्छी है कि इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है, सनरूफ खोलने के लिए यहाँ आपको बटन दी गई है राइट। इसको जस्ट मैं प्रेस करता हूँ और मेरा सनरूफ जो है ओपन हो जाता है, इट इज़ क्वाइट फास्ट एक्चुअली राइट। अब सनरूफ जो है वो एक और बार प्रेस करेंगे इतना ही ओपन होता है, इससे ज़्यादा ओपन नहीं होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर यू सिट, सो एक काफ़ी आपको एक एग्रेसिव ड्राइविंग पोजीशन इसमें ओवरऑल मिल जाती है। बाकी सनरूफ बंद करने के लिए जस्ट हैव टू टैप हेयर, और ये देखिए मेरा सनरूफ जो है वो एक बार में इस तरीके से बंद हो जाता है, ये देखिए ये बंद हो गया। सो अभी शटर को मैं ओपन ही रहने देता हूँ दोस्तों। तो चलिए ये तो थी ओवरऑल हमारे फ्रंट सीट की बात, अब चलते हैं पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक रो में आपको क्या क्या मिलता है। बात करें अगर बैक सीट की तो अगेन द विंडो इज़ काफ़ी बड़ी सी। बाकी इस तरफ अगर देखें तो आपको मिल जाते हैं लॉक अनलॉक बटन, आपका क्रोम डोर हैंडल, ट्विटर और स्पीकर तो मिलते ही हैं आपको, साथ ही साथ आपका पावर विंडो अप एंड डाउन कंट्रोल आपको मिल जाता है। अब दिस इज़ द ग्रैब हैंडल टू क्लोज योर डोर। बाकी इस तरफ की अगर बात करें तो कोई आपको स्कफलेट वगैरह पीछे नहीं मिलती है, ओवरऑल यहाँ से कुछ इस तरीके का लुक आता है। आप देख सकते हैं स्पेस जो है वो काफ़ी सही है। अब पीछे की आपको सीट पे तीनों उस पर हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, इवन जो सेंटर पैसेंजर बैठेगा उसके लिए भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी अगेन सीट क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। अब जो आपको थाई सपोर्ट है वो भी ठीक ही है। देन इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपके मिल जाते हैं रियर एसी के कंट्रोल एंड देन आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ज़्यादा कुछ आपको इसमें नहीं मिलता है। अब उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, इस आर्मरेस्ट पे जस्ट हैव टू टैप इट, सो ये जो आपके दो कप होल्डर्स हैं ये इस तरीके से बाहर आ जाते हैं, इसको आप बंद कर सकते हैं राइट। ये जो सीट जो है ये रिक्लाइन भी हो जाती है, आप यहाँ से इसको पीछे जो बैक रेस्ट है आप इसका रिक्लाइन कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो गुड फीचर। बाकी थर्ड रो में जाने के लिए जस्ट हैव टू पुल दिस अप राइट, और इसको देन आप स्लाइड करेंगे आगे, देन यहाँ से आप आराम से अंदर जा सकते हैं। इतना आराम से तो नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होता ही है थर्ड रो में जाने में। बाकी थर्ड रो सीट्स जैसा कि मैंने आपको पीछे से भी दिखाया था, दो बच्चे तो एकदम आराम से बैठ जाएंगे, काफ़ी सही जगह है दो बच्चों के लिए। अगर इफ़ टू एडल्ट्स वांट टू सिट हेयर सो थोड़ा सा जो आपका लेग्स रूम है वो थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। बाकी आपको बॉटल होल्डर्स यहाँ पे मिल ही जाते हैं। एंड इस तरफ का मैं डोर पॉकेट आपको दिखाना भूल गया था, डोर पॉकेट जो है इट इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग ओवर हेयर। बाकी अगर एसी वेंट्स की बात करें तो एसी वेंट जो है आपको यहाँ पे और ऊपर उस तरफ मिलते हैं, सेंटर में आपको एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको कंट्रोल ही मिलता है। बाकी यहाँ से कुछ इस तरीके का लुक आता है बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक सनरूफ। अब इसकी जो राइड क्वालिटी है और जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। सो दोस्तों ये तो थी हमारे ओवरऑल इंटीरियर की बात, चलिए चलते हैं बाहर और मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी आपको यहाँ पे कितने की ऑफर हो रही है। सो दोस्तों ये थी हमारी फोर्ड की एंडेवर 2.2। अभी जो गाड़ी है दोस्तों मैं इसको वैसे मिनी ट्रक ही बोलूँगा, तो ये जो है ये 2020 का मॉडल है, आपने सही सुना 2020 मॉडल ये गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 29,500 किलोमीटर 29,500 किलोमीटर्स ओनली इसकी रनिंग हुई है। और ये गाड़ी जो है वो सिंगल ओनर गाड़ी है, साथ ही साथ इसका जो पासिंग है वो
पूर्ण नंबर पासिंग है विथ अ चॉइस नंबर एज वेल। सो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो हमेशा की तरह इस शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स जो है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। आप यहाँ आ जाएँ, इस गाड़ी को अच्छे से देख लें, इसकी टेस्ट राइड ले लें, इनके साथ बैठ के वेल नेगोशिएट कर लें, एंड देन अगर आपको जमता है तो ये गाड़ी को आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करें अगर इस प्राइस की, तो ये गाड़ी आपको यहाँ पे ऑफर हो रही है 34,50,000 रुपये में, 34,50,000 रुपीज़ में, विच वुड बी नेगोशिएबल। ये तो आशा करता हूँ दोस्तों हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपको पसंद ही आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। साथ ही साथ जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @TripDiary, दैट इज TRIPDIARIE। सो फोक्स, आप सब अपना यूँ ही ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रिप डायरी, बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।